हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्री युतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजना साहित्यम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दिव्य चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवद गीता बेस्ड जो चर्चा करने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है हरि नाम की महिमा। जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे कोई भी युग हो, सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग या कलयुग, हर युग में भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग शास्त्रों में लिखे हुए हैं। तो उसी तरह से कलयुग के अंदर भी भक्ति का कोई ना कोई ऐसा मार्ग है जो कि शास्त्रों के हिसाब से कह सकते हैं बहुत अनुकूल भी हो सकता है और जिसको करना बहुत आसान भी हो सकता है। तो इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे कि कलयुग के अंदर अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो कलयुग के अंदर हर जीव प्रसन्न होना चाहता है, खुश रहना चाहता है। और वो खुश क्यों रहना चाहता है? क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो कैसा है? सत्चित आनंद स्वरूप। तो हमारी आत्मा क्योंकि आनंद में है, क्योंकि हम भगवान का पार्ट एंड पार्सल हैं, तो इसलिए क्योंकि आनंद में है इसलिए हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और हम हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट तरह के तरीके भी अपनाते हैं। जैसे कोई भौतिक चीज़ों से कह सकते हैं कि सुख प्राप्त करना चाहता है या आनंद प्राप्त करना चाहता है, या कोई अपने आध्यात्मिक दृष्टि से भी आनंद प्राप्त करना चाहता है। तो शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में? तो शास्त्र कहते हैं कि भागवतम के अंदर एक वर्स आता है जिसमें बोला गया कि सवे पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्ष जे अहेतु की अप्रतियता ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका बताया गया है? तो बोला गया कि सवे पुंसाम, तो जितने जीव हैं उन सबका असली धर्म क्या है? सवे पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्ष जे। तो अधोक्ष बोलते हैं भगवान को, भगवान कृष्ण को। तो भगवान की भक्ति करना सबसे इम्पॉर्टेंट हर जीव का मुख्य धर्म है। क्यों धर्म है? क्योंकि बोला गया कि अहेतु की अप्रतिहता। तो ये जो भक्ति बोली गई है कैसी होनी चाहिए? बिना किसी हेतु के। अगर हमारा हम कुछ भी कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अगर उसमें हमारा कोई स्वार्थ है, हम कुछ भगवान से मांगते हैं, तो उसको अहेतु की नहीं बोला गया। तो शास्त्र कहते हैं कि अहेतु का मतलब जब हम किसी बिना किसी डिमांड के भगवान की भक्ति करते हैं। और कैसी करते हैं? अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब होता है कंटिन्यूस, लगातार। तो एक तो लगातार भक्ति करना और दूसरा बिना किसी इच्छा के भक्ति करना। अगर जीव ऐसा करता है, मनुष्य ऐसा करते हैं, तो उसको बोला गया कि ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी, हम हमेशा के लिए ऐसे प्रसन्न रह सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इसको आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हमें भक्ति का कौन सा मार्ग शास्त्र रिकमेंड करते हैं, हमें बताते हैं। तो वैसे देखा गया कि कलयुग के अंदर अगर देखो तो शास्त्रों के अंदर आता है कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो जो कलयुग को बोला गया कि ये क्या है? दोषों की निधि। निधि बोलते हैं सागर को। तो कलयुग है दोषों का सागर है। हम जगह जगह आजकल देख सकते हैं, कहीं कलह है, कहीं झगड़ा है, और कहीं महामारी है, कोई बीमारी है। हर जगह
मोस्टली हम देखते हैं कष्ट ही कष्ट है, लोग परेशान ही परेशान है, क्योंकि ये कलयुग का एक गुण है जिसमें ऐसा सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसा ही होगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर एक महान गुण भी है, और वो गुण क्या है? कीर्तनादिव कृष्णस्य। अगर हम भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो क्या होगा? मुक्त संग परम व्रजेत, तो हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और परम व्रजेत, परम का मतलब भगवान का जो धाम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के धाम को प्राप्त करने का कलयुग के अंदर जो रास्ता शास्त्र बता रहे हैं वो क्या है? भगवान का कीर्तन, हरि नाम। जैसे हम देखें शास्त्र में ये बताते हैं कि पहले डिफरेंट युगों में क्या होता था, तो हम भागवतम के अंदर एक रेफरेंस देखते हैं जिसके अंदर लिखा है कि कृते यत ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखाः द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। तो बोला गया कि जो सतयुग था, सतयुग के अंदर क्या करते थे? ध्यान लगाते थे, क्योंकि उस समय जो उम्र लाखों साल होती थी, कलयुग के अंदर उम्र कितनी है? मैक्सिमम 100 साल, 60, 70, 80, 90, 100, लेकिन सतयुग के अंदर लाखों साल उम्र होती थी। तो वो क्या करते थे? ध्यान लगाते थे, भगवान की भक्ति का मतलब वो ध्यान लगाते थे। फिर त्रेता युग के अंदर क्या करते थे? यजतोमखा, तो वो यज्ञ करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, बहुत बड़े बड़े हवन होते थे और वो भी हजारों साल चलते रहते थे। और फिर द्वापर युग के अंदर परिचर्यायाम, तो डीटी वर्शिप, तो भगवान की बहुत ही बढ़िया ऑपुलेंस तरीके से, बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे से पूजा अर्चना हुआ करती थी, जो कि आज भी होती है, लेकिन जो द्वापर युग में होती थी वैसी कलयुग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कलयुग के अंदर ना तो शुद्ध ब्राह्मण है, ना शुद्ध सामग्री है, ना शुद्ध करने के लिए कुछ हमारे पास मेटीरियल है, और आयु तो बहुत कम है ही, तो इसलिए ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कलयुग के अंदर फिर क्या बोला गया? कलो तद हरि कीर्तनात्। तो कलयुग के अंदर सिर्फ हरि नाम कीर्तन ही सबसे ज़्यादा इजी है, पॉसिबल है, और इसको हम कर सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले आए, तो उन्होंने भी यही बोला कि हरेर नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम क्लो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कि कलयुग के अंदर हरि नाम के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं, तो हमें हरि नाम लेना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु भी हमें बोल गए हैं। और जैसे भगवान ने भगवद गीता में बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि सब धर्मों को छोड़ के, मतलब आपके अंदर जो भी कल्मश है, जैसे कोई कर्म योग, कोई ज्ञान योग, ध्यान योग, डिफरेंट योगों में फंसा रहता है, तो क्या बोला? सब योगों को छोड़ के क्या करो? मुझे शरणागत हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ़ कर दूंगा, और फिर तुम ऐसा करने के लिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें क्या करना है? सिर्फ मेरे को शरणागत हो जाना है। लेकिन भगवान ने ये तो बोल दिया शरणागत होना है, लेकिन कैसे होना है, करना क्या है, वो भगवद गीता में भगवान ने नहीं बताया। तो फिर भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 साल पहले आए, और फिर उन्होंने बोला कि हमें करना क्या है, तो उन्होंने भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। और इवन भगवद गीता भागवतम के अंदर हम पढ़ते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस रूप में आए हैं, तो 11वें कैंटो के 5वें अध्याय के 32 नंबर वर्स के अंदर एक बहुत सुंदर हम श्लोक पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगा अर्श अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसा। तो सुमेधसा बोलते हैं जो लोग इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान लोग हैं, तो बुद्धिमान लोग इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कि एक व्यक्ति जो कि कृष्ण है लेकिन उसका रंग कृष्ण नहीं है, कृष्ण का मतलब ब्लैक भी होता है, काला भी होता है, तो ऐसा एक अवतार हुआ है जो कि स्वयं कृष्ण है लेकिन उनका रंग काला नहीं है, और वो कैसे हैं? सांगो पांगा अस्त्र पार्षदम, तो वो अपने संगियों के साथ, साथियों के साथ, अपने अस्त्र के साथ और अपने पार्षदों के साथ अवतरित हुए हैं। उनके पार्षद कौन थे? जैसे पंचतत्व हम बोलते हैं, अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, तो ये सारे क्या थे? उनके पार्षद थे। तो उनके साथ वो आते हैं और अपना अस्त्र लेके, कौन सा अस्त्र लेके? यज्ञ संकीर्तन प्रायर, संकीर्तन यज्ञ। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला जा रहा है कि वो आके यजंति ही सुमेधसा, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला गया कि वो स्वयं कृष्ण भगवान है, कलयुग में आए हैं, और उन्होंने क्या बोला है कि असली अस्त्र कलयुग के अंदर क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, कलयुग के अंदर
हरि नाम करेंगे, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि कीर्तन हमें कैसे करना चाहिए। और भक्तम के अंदर एक और 11वें कैंटो के 5वें अध्याय के 36वें नंबर वर्ष के अंदर एक और जगह हमें मिलता है कि जो संकीर्तन यज्ञ है कलयुग के अंदर वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम क्या पढ़ते हैं, कलिम सभा जयंती आर्या गुण ज्ञासार भागिना यज्ञ संकीर्तनय सर्व स्वार्थो अभिलभ्यते। अगर कोई व्यक्ति कलयुग के अंदर कीर्तन करता है, संकीर्तन यज्ञ करता है जो कि सारे के सारे गुणों का सार है, और इसको करता कौन है, आर्या। आर्य का मतलब जो एडवांस डिवोटी होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि सब चीज़ों का सार क्या है, संकीर्तन यज्ञ। और अगर हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो सर्व स्वार्थो अभिलभ्यते, तो हमारी सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो ऐसी महिमा हरि नाम की बताई गई है। और हम चैतन्य चरितामृत के अंदर भी पढ़ते हैं तो वहाँ क्या बोला गया कि नाम बिनु कली काले नाही और धर्म सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है, मर्म क्या है, सार क्या है कि बिना नाम के और कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम किसी भी शास्त्र में देखें तो उसके अंदर क्या बोला गया है, हरि नाम की महिमा, खासकर कलयुग के अंदर, क्योंकि कलयुग के अंदर हमारी आयु बहुत कम है, हमारे पास शुद्ध हवन सामग्री या ब्राह्मण या मंत्र उच्चारण हमें आता नहीं है। उस वजह से अगर कुछ संभव है जिसके द्वारा हम भगवान के नाम जा सकते हैं, वो सिर्फ हरि नाम के द्वारा ही संभव है, और कोई रास्ता नहीं है। और हमें शास्त्र एक और बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हरि नाम का फायदा किस किस को जैसे हो सकता है। तो बताते हैं कि एतान निर्विद्य माना नाम इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम निपनिर्णितम हरि नाम अनुकीर्तनम। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, निर्विद्य माना नाम, ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई इच्छा ना हो, तो मान लो कि डिजायरलेस हो, या इच्छताम या उसकी बहुत सारी इच्छाएँ हैं, दोनों कंडीशन के अंदर अकुतो भयम बिना किसी डाउट के हमें क्या करना चाहिए, हरे नाम अनुकीर्तनम, हरे नाम की शरण लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम डेफिनेटली अपने जीवन को सफल करके भगवान के धाम जा सकते हैं। और चैतन्य चरितामृत आगे बहुत सुंदर बताते हैं कि कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। तो वहाँ भी यही बोला गया कि भगवान कृष्ण के नाम के बिना कलयुग के अंदर और कोई रास्ता है ही नहीं। अगर हमें आध्यात्मिक दृष्टि से चेंज होना है, हमें कह सकते हैं कि भगवान के धाम जाना है, भक्ति करनी है, तो फिर क्या बोला गया है, नाम संकीर्तन। और पद्म पुराण के अंदर भी हमें हरि नाम के बारे में महत्वपूर्ण मिलता है कि इसके अंदर क्या गुण है। तो पद्म पुराण कहते हैं कि नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वाम नाम नामिना। तो बहुत सुंदर कि जो नाम है वो क्या, चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब क्या होता है कि जैसे पारस की तरह, जैसे पारस होता है, आप जब सोने को, उस पारस को किसी भी लोहे को भी टच करते हैं तो वो सोना बन जाता है। तो इसी तरह से जो भगवान का जो नाम है वो चिंतामणि है, और रस विग्रह सभी तरह के रसों से भरपूर है, पूर्ण आनंद देने वाला है, और कैसे पूर्ण शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध है, उसके अंदर अशुद्धता का लेश मात्र भी नहीं है, और नित्य मुक्त, हमेशा हमें मुक्त करने वाला है। और अभिनत्वाम नाम नामिना, तो कलयुग के अंदर बोला गया कि भगवान के नाम में और भगवान में स्वयं कोई अंतर ही नहीं है। जैसे अर्जुन लक्की था, फॉर्चुनेट था कि वो भगवान के साथ साक्षात्कार कर सका, भगवान उनके सामने थे, लेकिन हमारे सामने तो भगवान कह सकते हैं कि नहीं है उस रूप में। तो लेकिन कलयुग में भगवान ने बोला कि मैं नाम के रूप में विद्यमान हूँ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नाम को नाम प्रभु भी कहते हैं। तो अगर हम भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं कलयुग के अंदर, तो क्या रास्ता है, भगवान का नाम, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। और नाम के बारे में जो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम का लास्ट कैंटो का लास्ट अध्याय का लास्ट वर्स, वो क्या कहता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। तो वहाँ भी यही बोला गया कि शास्त्र क्या कहते हैं कि जो नाम संकीर्तन है वो सारे पापों को ख़त्म करने वाला है, और उसके साथ प्रणामो दुख शमनस, हमारे जितने दुख हैं उनको भी ख़त्म करता है। तो ऐसे मैं हरि को, ऐसे मैं भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, तो ये भागवतम कहती है। और हम जानते हैं कि
प्रहलाद महाराज ने भागवतम के अंदर हमें भक्ति की 9 विधियाँ बताई हैं। तो इन 9 के अंदर पहला क्या है? श्रवण। दूसरा कीर्तन। तो कीर्तन भी क्या है? भगवान के नामों का गुणगान। तो जैसे वो बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो वहाँ क्या बोलते हैं कि जो कीर्तन है, श्रवण कीर्तन, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और वही हम भगवान का नाम जब लेते हैं तो हम क्या करते हैं? भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, साथ में नाम को सुनते भी हैं। तो वो श्रवण भी है और कीर्तन भी है। और कलयुग के अंदर यही सबसे इम्पोर्टेंट है और यही सबसे ईजी है। और भागवतम के अंदर एक और जगह हम पढ़ते हैं नाम की महिमा के बारे में। वहाँ लिखा है कि एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसाम धर्म परास्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहण आदि भी। तो बहुत सुंदर बोला कि इस संसार के अंदर नहीं, जितने भी लोक हैं, सभी लोकों के अंदर सबसे मेन धर्म जो भगवान का मनुष्यों के लिए बना हुआ है वो क्या है? परास्मृता, भगवान को याद करना। तो अगर हम भक्ति योग को भगवान की भक्ति करते हैं किस तरह से? तन्नाम ग्रहण आदि भी। तो नाम, भगवान का नाम जप करके अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उससे बढ़िया मनुष्यों के लिए और कोई धर्म है ही नहीं। और चैतन्य महाप्रभु ने प्रडिक्ट भी किया है कि जो हरि नाम है वो कलयुग के अंदर जगह जगह गाया जाएगा। तो क्या बताते थे? पृथ्वी यति अच्छे यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोरा नाम। तो महाप्रभु ने बोला कि समय आएगा जब गली गली में हरि नाम का प्रचार होगा, क्योंकि कलयुग के अंदर और कोई रास्ता है ही नहीं जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। और वो फिर महाप्रभु आगे चैतन्य चरितमृत में हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन्म। तो सब जीवों को क्या करना चाहिए? हरि नाम करना चाहिए और जोर जोर से बोलना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ये कीर्तन करते हुए अगर हम नाचते हैं, गाते हैं, उच्चारण करते हैं तो इससे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जो हरि नाम है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो कहाँ से आया? गोलोकेरा प्रेम धन। तो गोलोक से आया हुआ है ये। जो नाम साधारण नाम नहीं है, जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि पानी 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 पानी, तो मैं जितनी बारी मर्जी पानी बोलता रहूँ, जब तक पानी पीऊँगा नहीं तब तक मेरी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन जो हरि नाम है, इस तरह वाला शब्द नहीं है। अगर मैं इस हरि नाम को लेता रहूँगा तो मेरे अंदर चेंज आएगा। मेरे अंदर जो भी भगवान के अंदर या देवताओं में जो गुण होते हैं, अगर हम हरि नाम लेते हैं तो वो सारे भगवान के गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध नाम है और ये आध्यात्मिक लोक से, गोलोक से आया हुआ नाम है। तो इसलिए जब हम इस नाम को उच्चारण करते हैं, सीधा हमारा कनेक्शन भगवान से बन जाता है। और ये हम सुनते भी हैं कि कल युगे युग धर्म ना मेरे प्रचार तथि लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। तो फिर हम दोबारा पढ़ते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में अपने जो गोल्डन कलर के अंदर अवतरित हुए हैं कलयुग के अंदर, क्या करने के लिए? हरि नाम का प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने आके हमें यही बोला कि हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही हमें कीर्तन करते रहना चाहिए कलयुग के अंदर, यही हमें बताया है। और अगर हम देखें कि जो हरि नाम है उसके अंदर पोटेंसी क्या, ताकत क्या है, क्या उसके अंदर ताकत है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कुल 8 श्लोक दिया हमें, जिसको बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम। उसका जो दूसरा वर्ष है उसके अंदर उन्होंने क्या बोला? नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो कह रहे हैं कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ अपने नाम के अंदर डाल दी हैं। तो अगर कलयुग के अंदर कोई भगवान का नाम लेता है तो उसको भगवान की सारी शक्ति की जो बेनिफिट मिलता है वो उसको प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान के नाम के अंदर सारी भगवान की जो शक्ति है उसके अंदर निहित हैं। और फिर भगवद गीता के अंदर हम पढ़ते हैं कि भगवान बताते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या है, कि अगर हम इस तरह से हरि नाम लेना चाहते हैं तो क्या हमारे अंदर कुछ गुण भी होने चाहिए या कोई भी हरि नाम कर सकता है? तो वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कलयुग के अंदर कोई भी हरि नाम कर सकता है, लेकिन अगर हम हरि नाम करना भी चाहते हैं तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक और वर्ष दिया, जिसमें वो क्या कहते हैं कि अगर हमारे अंदर वो गुण है तो हम 24 आवर्स कीर्तन कर सकते हैं, अदरवाइज डिफ़िकल्ट है। तो क्या बोलते हैं वो? तृणादपि सुनीचना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदिन कीर्तने सदा हरि। तो कौन व्यक्ति कीर्तने सदा हरि कर सकता है? मतलब ऐसा व्यक्ति कौन है जो 24 घंटे काम करते हुए, ड्यूटी करते हुए, ऑफिस में रहते हुए भी भगवान का नाम ले सकता है? तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा जिसके अंदर 4 गुण हो? पहला गुण क्या है? तृणादपि, जो बिल्कुल विनम्र हो, कैसा? घास जैसा, बिल्कुल घास के तिनके जैसा, बिल्कुल विनम्र, सॉफ्ट, अगर उसके अंदर विनम्रता है। और दूसरा क्या है? तृणादपि सुनीचना तरोरपि सहिष्णुना। तो दूसरा क्या कि पेड़ के जैसा सहनशील। पेड़ के अंदर क्या गुण होता है?
चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ मर्जी हो, पेड़ फिर भी खड़ा रहेगा, और चाहे उसके पेड़ की शाखा कोई काट रहा हो, उसको भी फल देता है, उसको भी छाया देता है। तो पेड़ के अंदर हमें सहनशीलता का गुण दिखता है। तो ऐसा भक्त जिसके अंदर विनम्रता है, जो हर चीज़ों को भगवान की कृपा मानकर सहनशील बना रहता है, सहन करता है, और अमानिना, और क्या करता है, अपने लिए कभी मान की इच्छा नहीं करता, और दूसरा मान देने, दूसरों को हमेशा मान देने की इच्छा रखता है। तो ऐसा व्यक्ति जो विनम्र है, सहनशील है, अपने लिए मान की इच्छा नहीं रखता और दूसरों को मान देता है, ऐसा व्यक्ति कीर्तनीय सदा हरि कह सकते हैं कि वो हमेशा 24 आवर्स कीर्तन में लगा रह सकता है। और 24 आवर्स कीर्तन करना क्यों चाहिए, वो भी भगवान ने हमें भगवद गीता में बताया, 9वें अध्याय के 14 नंबर वर्स के अंदर भगवान ने क्या बोला, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। तो कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त कौन है, जो दृढ़ता के साथ, यत्न के साथ, सततम लगातार मेरा कीर्तन करता रहता है, मेरा गुणगान करता रहता है, ऐसा व्यक्ति मेरे मुझे नमस्कार करता है और वही मेरा भक्त है, नित्य युक्त उपासते, वो नित्य मेरा भजन में लगा रहता है। और हमें क्यों लगातार भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि कलयुग के अंदर अगर हम साक्षात भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो हम इन जो अपनी भौतिक इंद्रिय हैं वो हमारी इतनी अशुद्ध हैं, इतनी अपूर्ण है, इसके द्वारा हम भगवान को नहीं देख सकते। अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि पद्म पुराण के अंदर एक वर्ष आता है जिसके अंदर चैतन्य चरितामृत में श्रील रूप गोस्वामी भी बताते हैं कि अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद गृहम इंद्रिया सेवा उन्मुखी जीवादो स्वयमेव सफुर्ति अदा। तो अगर हम अपनी जीवा को यूज़ करते हैं दो कामों के लिए, नंबर 1 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए अगर हम हरि नाम करते हैं जीवा के द्वारा, प्लस जीवा से हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, मतलब जो कुछ भी हम खाते हैं उसको भगवान को अर्पित करें, उसके बाद खुद ग्रहण करें, अगर जीवा को इस तरह से हम दो चीज़ों से यूज़ करते हैं तो हमारी जो इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। तो जब हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होंगी तो फिर क्या होगा, तो स्वयं एव सफूर्ति अदा, तो भगवान स्वयं हमें अपने हमें हमारे सामने अपने आप को प्रकट कर देंगे। तो कलयुग में अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं तो वो आँखों से नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारी आँखें क्या हैं, अपूर्ण हैं। भगवान हमें अगर दिखेंगे तो कानों के द्वारा, मतलब श्रवण के द्वारा। तो अगर हम भगवान के ग्लोरीज के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में सुनते हैं तो उसके द्वारा हम भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। और हरि नाम का जो बेनिफिट हम बहुत जगह आगे भी देख सकते हैं, जैसे भागवतम के अंदर आता है कि जो हरि नाम करता क्या है, तो भागवतम कहते हैं कि तस्माद् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगलम हमसाम मतामपि कौरव्य विधि एकांतिक निष्कृतम। तो कहते हैं कि जो संकीर्तन है वो क्या करेगा, विष्णु जगत मंगलम, पूरे जगत के अंदर मंगल आने वाला है। तो जो हरि नाम है उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर शांति आ सकती है। और एक और बहुत सुंदर हमें शास्त्रों से मिलता है कि नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम ना शक्नोति पात काम पात की नरहा। तो मतलब हरि नाम में इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतनी ज़्यादा शक्ति है कि हमारे जितने पाप करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है, उससे भी ज़्यादा हमारे पापों की रिएक्शन को, हमारे पाप के फलों को हरि नाम मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। तो इतनी ज़्यादा शक्ति हरि नाम में बताई गई है। और चैतन्य महाप्रभु का जो फर्स्ट वर्स है शिक्षाष्टकम का, उसके अंदर तो महाप्रभु ने हमें बताया कि अगर कोई हरि नाम करता है तो उसको 7 बेनिफिट होते हैं। तो वर्ष क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म सनम्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण संकीर्तन है जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसके बारे में महाप्रभु कहते हैं कि वो कैसा है, हमारे चित्त को, चित्त का मार्जन करता है। तो जैसे शीशे के ऊपर मिट्टी होती है उसको साफ कर देते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखना शुरू हो जाता है, इसी तरह हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं। तो जब हम हरि नाम करते हैं तो हमारा अंदर से शुद्धिकरण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे जो दुर्गुण हैं वो सारे के सारे साफ हो जाते हैं। तो इसलिए हरि नाम को बोला गया चित्त का मार्जन करता है। दूसरा क्या करता है, महादावाग्नि, तो जो संसार है, दुखों का घर है, बिल्कुल कह सकते हैं दावा जंगल जैसी आग है जो अपने आप लगी हुई है, जिसको कोई नहीं चाहता फिर भी लगी हुई है, तो उस आग को ये हरिनाम बुझाता है।
फिर क्या करता है, जैसे चंद्रमा एक ठंडक शीतल हमें रोशनी देता है, उस तरह की रोशनी हरि नाम से मिलती है। और सभी कह सकते हैं विद्या वधु जीवना, मतलब जितनी विद्याओं है उसका सबका सबसे सुप्रीम विद्या क्या है, हरि नाम। और आनंदम आनंद 24 आवर्स हमें आनंद देने वाला है, और पूर्ण अमृत हर समय हम अमृत का आस्वादन कर सकते हैं, और हमारी आत्मा जो है जैसे कह सकते हैं शुद्ध हो जाती है इसको करने से। तो अगर कोई हरि नाम लगातार करता है तो क्या बोलते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो उस संकीर्तन यज्ञ की विजय हो। तो अगर हम डेफिनेटली हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि हर जीव चाहता है, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो जैसे भगवान ने भगवत गीता में भी बोला कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो मेरा जो भक्त है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, कोई चिंता में नहीं रहता। तो क्यों नहीं रहता, क्योंकि वो 24 आवर्स भगवान का कीर्तन करता है। तो भगवान के कीर्तन का मतलब क्या है कि हम जो कलयुग के अंदर एक महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। जैसे शिला प्रपात जब अमेरिका में गए तो हिप्पीज थे, ड्रग एडिक्ट थे, उन्होंने सिर्फ हरि नाम लिया, उनको भगवद गीता का नहीं पता था, कृष्ण का भी नहीं पता था, जस्ट उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र किया, कीर्तन किया, और वह शुद्ध हो गए और शुद्ध भक्त बन गए। शिला हरिदास ठाकुर 22 घंटे हरि नाम लेते थे, उसका रिजल्ट क्या था, एक बार उनके पास वैश्य आती है तो वैश्य भी हरि नाम सुन के एक बहुत बड़ी भक्त बन जाती है। तो इतनी बड़ी हरि नाम में पोटेंसी है। तो हमारे शास्त्र के अंदर किसी भी शास्त्र में अगर हम देखें, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, सभी ग्रंथों के अंदर बोला गया कि कलयुग के अंदर हमें सिर्फ हरि नाम लेना चाहिए। अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का दिल से सीरियसली और पूरी दृढ़ता के साथ अगर उच्चारण करते हैं तो डेफिनेटली हम इस जीवन के अंदर ही भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा।